और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने प्रांत के सभी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शुरू किया और ये तय किया कि वहाँ उस टोले के कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही झंडा फहराएंगे और हर जगह कोई ना कोई और प्रतिनिधि लोग अधिकारीगण सब जाएंगे और इस तरह से पूरे बिहार में 2011 से ये काम चल रहा है और मुझे खुशी है अनेक जगहों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में और फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला और मैं सबसे पहले देवनाथ रविदास जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आज झंडोत्तोलन किया और हम सबको यहां उपस्थित रहने का अवसर मिला। अब जो चिपुरा पंचायत है, चैनपुर गांव है, टोला है, हम बहुत जमाने से इस गांव से यहाँ के लोगों से परिचित रहे तो आज काफी समय के बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला है, इसकी भी मुझको खुशी हो रही है। और यहाँ पर सब लोगों की बात हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बोली, हमारे उपप्रमुख भी बोले, मुखिया जी ने कागज लिख करके दे दिया, तो सब लोगों की बात हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी। और जब यह तय हुआ कि जो चैनपुर महादलित टोला में मुझको भी चलना है, जब पटना के डीएम ने मेरे कार्यालय को सूचना दी तो हमारे कार्यालय ने यह भी कहा कि भाई वहां जाकर जान लीजिए, कोई अगर समस्या हो, लोगों की कोई मांग हो तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि जाने पर लोग अपनी बात रखते हैं, मांग रखते हैं, तो फिर निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए पहले ही आ गए। और यहाँ पर जो कई लोगों ने अपनी बात रखी वो दरअसल डीएम जब यहाँ आए थे तो उस समय ही लोगों की भावना से परिचित हुए और उसके हिसाब उसके मुताबिक सब कुछ किया गया। अब उसके बारे में तो हम आपको बता देंगे अभी, लेकिन आज खुशी है कि आज विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ और जो हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसका लाभ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, 12वीं कक्षा के बाद इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और फिर जिनके आंख में कुछ समस्या है उनके लिए चश्मा का वितरण, फिर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों को देय लाभ आदि सभी चीजों का एक सांकेतिक तौर पर भी जिला प्रशासन ने यहाँ कार्यक्रम कराया और हम लोगों के हाथ से जो उनको मिलना है वह प्रदान करवाया। ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों की इच्छा यही रहती है कि जो हम लोगों की योजना है उसका पूरी मुस्तैदी से पालन हो। हम लोगों ने सबसे पहले ध्यान दिया कि कानून का राज स्थापित करेंगे और जो भी अपराध होगा उस पर कड़ाई से कार्रवाई होगी और उसके बाद न्याय के साथ विकास, उसमें हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास, यह हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा और उस पर काम किया। कितनी सड़कें बन गई, कितने जगह पर स्कूलों में अस्पतालों में व्यवस्था की गई, ये सब प्रारंभ से हम लोगों ने करने की कोशिश की है। अभी और कुछ करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और नई योजनाओं को भी हम लोगों ने शुरू किया है। 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम है, हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली का कनेक्शन, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे राज्य सरकार की सेवाओं में 35% महिलाओं को आरक्षण, युवाओं को पढ़ने में सुविधा हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना, उसके बाद जो आगे पढ़ने में नहीं काम की तलाश में घूम रहे हैं उनको 2 साल तक 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता हर महीने देना, और फिर जो आगे कुछ काम करना चाहते हैं उनको
उनके कौशल का विकास, कुशल युवा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें इच्छुक युवाओं को, लड़के लड़कियों को हम लोग भाषा संवाद सिखा रहे हैं। हिंदी के अलावे थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोलना सीख लीजिए, इसके बाद कंप्यूटर पर काम करना सीखिए, और इसके बाद अपना व्यवहार ठीक से रखिए, जिसको कहते हैं व्यवहार कौशल। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत यह सब भी प्रशिक्षण। इसके अलावा आज इंटरनेट का जमाना है, इसके हर सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में मुफ्त में वाईफाई की सुविधा। और इसके बाद जो उद्यमी हैं, उद्यमिता का भाव है, अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे लोगों को की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड, यानी राज्य सरकार की तरफ से भी उनको सहयोग। और अब उसके बाद तो अभी आपको श्याम रजक जी बता रहे थे, हम लोगों ने योजना शुरू की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, कि उनमें जिनमें उद्यमिता है, कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए तक की हम लोग सहायता करेंगे, उनका पूरा का पूरा ट्रेनिंग करा दिया जाता है, और उसके बाद वो जिस तरह का काम करना चाहें, अधिकतम 10 लाख रुपए तक की मदद, और उसमें 50% सरकार उनको अनुदान देगी और 50% बिना ब्याज के ऋण देगी। और ये काम भी शुरू हो गया, इसका शुभारंभ भी कर दिया, अनेकों युवाओं ने ट्रेनिंग लेकर अपना काम करना शुरू किया, और हम उसमें देखे एक से एक, सिर्फ आईए पास नहीं, कोई इंजीनियरिंग पास है, कोई एमए पास, कोई बीए पास, कोई बीए ऑनर्स, तरह तरह के युवाओं को हमने देखा। अभी कुछ दिन पहले ही पटना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो एक तरफ जो युवाओं के विकास के लिए वेंचर कैपिटल फंड, वो सबके लिए उपलब्ध, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए और विशेष योजना हम लोगों ने शुरू की। अब कोई भी काम करेगा, पढ़ेगा, कोई गांव में शहर में कहीं भी उद्यम करना चाहता है, और आज जान लीजिए, आज एक और घोषणा हमने की, अब जब गांव तक सड़क बन रहा है तो स्वाभाविक है लोग वाहन पर चलना चाहते। अब यहाँ की बात दूसरी है, चिपुरा चैनपुर टोला तो इधर से सीधे जुड़ा हुआ है, बीच में कितना स्कूल बन गया और कितना मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन रहा हो तो अलग बात, लेकिन आम तौर पर जो गांव में भी सड़क बन गया तो सबके मन में होता है कि हम वाहन पर चले, गाड़ी पर चले। इसलिए आज हमने गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद हमने बताया है कि हर पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के अगर युवा चाहेंगे तो उनको मोटर वाहन का अगर भाड़ा पर चलाना चाहते हैं तो सरकार 1 लाख रुपया तक का उनको वाहन खरीदने में मदद करेगी, और ये वाहन 4 से लेकर 10 आदमी को लेकर जाएगा। तब गांव-गांव से लोग चलेगा, बढ़िया वाहन पर 4 से 10 नहीं कि भीड़ जैसा करके 4 से 10 तक का वाहन खरीद करके चलाइए और गांव से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक जाइए। तो इसके लिए भी आज हमने घोषणा कर दी है नई योजना। तो हम लोगों के तो सामने जितनी बातें आती है हम लोग सब करते रहते हैं। तो अभी आपको बताया उद्यमिता के लिए भी, तो युवाओं के विकास के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम, सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में मुफ्त में वाईफाई की सुविधा, और उसके बाद उद्यम के लिए उनको सरकार की तरफ से मदद। और यही नहीं, हमारे युवा पढ़ने के लिए, जितने लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ने के लिए यहाँ कॉलेज की कमी है, बाहर चले जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, सबके लिए बाहर। इसलिए हम लोगों ने क्या तय किया कि बिहार में 5 और नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और हर एक जिले में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज और 1 पॉलिटेक्निक संस्थान, 1 पारामेडिक संस्थान और 1 जीएनएम संस्थान।
और महिला आईटीआई हर जिले में और हर एक सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल, ताकि यहाँ पढ़ने में दिक्कत नहीं। और ये साफ निश्चय में तय करके सब के लिए स्वीकृति दे दिया, जमीन का आवंटन हो गया और काम भी प्रारंभ हो गया। तो युवाओं के लिए मेरे साथ निश्चय में दो निश्चय हैं और उस पर पूरे तरह से काम हो रहा। और आज जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बैंक के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया, बैंक का उतना सहयोग नहीं मिला, तो राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा वित्त निगम बनाकर हम लोगों ने अब वो योजना को शुरू कर दिया। और बैंक से तो ज़्यादा उनको ब्याज लगता, लेकिन अब यहाँ ब्याज ज़्यादा नहीं लगेगा। साधारण ब्याज लड़के पर 4% का, और अगर लड़की है और अगर कोई दिव्यांग है या अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको मात्र 1%। और एक बात हम और बता देते हैं, सबको कहेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा करके इंटर के आगे, 12वीं के आगे पढ़िए, और जब पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। और बिहार में हम चाहते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में लोग करें, इसका लाभ उठाइएगा बिना चिंता किए हुए। अगर पढ़ाई के बाद भी आपने जो ऋण लिया उसको देने की स्थिति में नहीं होंगे तो हम लोग उसको माफ भी कर देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन यह सब योजना जो शुरू की है इसका लाभ उठाइए। तो हर तरह से काम हो रहा, और उसके बाद हम लोगों ने अनेक योजनाओं की शुरुआत कर दी। जिसका हुआ, अब जान लीजिए, हम शराबबंदी तो बड़ा लागू किए, उसका बहुत फायदा है, शाम में झगड़ा बंद हो गया, घरेलू हिंसा बंद हो गई, कला था वो बंद हो गया, शाम होते होते घर के बाहर निकलने की स्थिति नहीं रहती थी, रोड से लेकर सब जगह पी पा करके मस्ती में लोग न जाने क्या बोलता रहता था, गाड़ी कमाई करके आता था, ज़्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में जाकर बिला वजह का झगड़ा करता था, अब उस सब से मुक्ति मिल गई। लेकिन इसके बाद भी, ये सब काम करने के बाद हमने देखा कि कुछ गरीब गुरबा लोग गांव देहात में कहीं कहीं शराब वगैरह चुलाते थे और उसी पर उनका जीवन निर्भर था। तो हमने एक नया स्कीम शुरू किया, सतत जीविकोपार्जन योजना। अब सर्वे कर रहे हैं कौन ऐसा परिवार था जो ताड़ी और शराब पर ही निर्भर था, उसका सर्वेक्षण करके उसको चिन्हित करके उनको जीविका समूह के माध्यम से हम लोग वैकल्पिक रोजगार की ओर ले जा रहे हैं। और 60,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक राज्य सरकार मदद करेगी, चाहे पशुपालन करिए, बकरी पालन करिए, जो भी करना हो, कोई दुकान खोलिए, किसी तरह का काम करना चाहते हैं तो उस ओर उनको आकर्षित करना। और यही नहीं, जिस गांव में पंचायत में ऐसे लोग भी हैं जिनको राशन कार्ड तक नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं है कि सरकार क्या क्या सुविधा देती है, वैसे परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा और उन परिवारों को भी सतत जीविकोपार्जन योजना का हम लोग लाभ दिलाएंगे। तो हर तबके के लिए हम लोग काम करें, अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, किसी भी चीज। और महिलाओं के लिए जो कन्या उत्थान योजना भी लाभ लिए, महिलाओं के लिए तो काम किया, पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में महिलाओं को 50% का आरक्षण, जो नियोजन हो रहा था प्राथमिक शिक्षक के रूप में उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण, पुलिस के भर्ती में 35% आरक्षण, और अब सात निश्चय के अंतर्गत एक निश्चय में सरकार की हर सेवा में महिला के लिए 35% आरक्षण, और जो चालू हो गए, महिलाओं की संख्या सरकारी सेवाओं में अब बढ़ने लगी, यह सब स्थिति हो गई। लेकिन इसके बाद भी और क्या शुरू किया, लड़की नहीं पढ़ने जाती थी, पोशाक योजना शुरू की, लड़की की संख्या बढ़ गई, 9वीं कक्षा से साइकिल योजना शुरू की, गांव-गांव से साइकिल चलाकर लड़की समूह में जाने लगी, पूरा वातावरण समाज का बदल गया और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हुई। तो कहीं जाते थे तो लड़का सब कहता था कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। और अब यह भी तय कर दिया
जो साइकिल के लिए 2500 रुपया मिलता था अब 3000 रुपया देंगे, ये सारा काम हम लोग करते रहे। लेकिन इसके बाद भी लड़कियों के उत्थान के लिए आज भी हमने देखा है कि लोग लड़की की पर ध्यान कम देते हैं। अगर बेटी पैदा हुई बीमार पड़ जाती है तो उसके इलाज पर उतना ध्यान लोग नहीं देते हैं। इसलिए हम लोगों को यह लगा, इसके लिए अभियान चला रहे थे, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन लड़कों के शिशु मृत्यु दर में ज्यादा कमी आई, लड़कियों के लिए कम कमी आई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों को प्रेरित करना। और आप जानते हैं शराबबंदी नशा मुक्ति के बाद हमने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। क्यों कम उम्र में लोग बेटियों की शादी कर देते हैं, यानी बेटी के पैदा होने से लोग चिंतित रहते हैं, कम उम्र में शादी करने से क्या नुकसान होता है, गर्भवती महिलाएं मर जाती हैं कम उम्र के रहने के कारण बहुत लोग, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, पौने पल के शिकार होते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, तो हम एक तरफ अगर अभियान चला रहे हैं तो साथ साथ सोचना पड़ता है कि क्या करें जिसमें हर परिवार में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसके देखभाल को और बेहतर ढंग से कर सकें। इसलिए हम लोगों ने अब नई योजना शुरू की, अगर लड़की पैदा होगी किसी के घर में तो माता पिता को हम लोग 2000 रुपया उसके खाते में दे देंगे, और एक साल पूरा होने के अंदर अगर लोगों ने अपनी बेटी का आधार से पंजीयन करा दिया तो 1000 रुपया और उनके खाते में दे देंगे, और 2 साल की बच्ची हो गई और उसका संपूर्ण टीकाकरण करा देंगे तो उनको 2000 रुपया और देंगे उनके माता पिता को। और इसके बाद लड़की जब स्कूल में जाएगी तो पोशाक योजना पहले से है, पहले पहला दूसरा में देते थे 400, अब मिलेगा 600, तीसरा से पांचवा में पहले मिलता था 500, अब मिलेगा 700, छठा से आठवां के बीच में पहले मिलता था 700, अब मिलेगा 1000, और 9वां से 12वां में पहले मिलता था 1000, अब मिलेगा 1500। ये लड़कियों की पोशाक योजना में हमने परिवर्तन किया है। और यही नहीं, आप जानते हैं सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था हमने की, 7वें क्लास से 12वें क्लास तक की लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपया देते थे, अब उसकी राशि बढ़ाकर हम लोगों ने 300 रुपया कर दिया। और इसके बाद अगर कोई लड़की आईए पास कर जाएगी, आईएससी पास कर जाएगी, 12वीं कक्षा पास कर जाएगी और अविवाहित है, क्योंकि इंटर पास होने तक लड़की की उम्र 18 साल नहीं हो पाती है, इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए लड़की इंटर पास अविवाहित कर जाएगी तो उसको 10000 रुपया का अनुदान देंगे, और लड़की अगर स्नातक पास कर गई तो विवाहित हो या अविवाहित उसको 25000 रुपए का अनुदान हम लोग देंगे। तब एक बेटी पैदा हो गई तो पहले से छात्रवृत्ति और योजनाओं के अलावे एक बेटी पैदा होगी और जब ग्रेजुएट हो जाएगी उस समय तक जाके आज की तारीख में 54100 रुपया सरकार के खजाने से उसको दिया जाएगा। अब सरकार इतना सोच रही है तो हम माता पिता सबसे उम्मीद करते हैं कि हर बेटी के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो अपनी बेटी के लिए आप भी तो सोचिए, सरकार सोच रही है इसलिए आप भी सोचिए, इसलिए अपने बेटी का ख्याल रखिए, बेटा की तरह, बेटा हो या बेटी दोनों रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए लड़कियों के लिए भी है और इसी तरह से सभी समाज के तबकों के लिए, अभी तो हमने उद्यम की बात बता दी, इस तरह से अनेक योजनाओं की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, तो सब काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, देखिए बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, इसकी प्राथमिक परीक्षा कोई पास करेगा अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग का है तो उसको 50000 रुपया देंगे ताकि बढ़िया से कोचिंग वगैरह करके वो अंतिम फाइनल परीक्षा पास करे, डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग के लोगों के लिए देंगे पास करने वाले को। और अगर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी पास करता है
तो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर एसपी बैठे हुए हैं सब मंच पर। तो उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े का लोग भी कलेक्टर बने, एसपी बने। इसलिए जब यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा पास करेगा तो उसको 1,00,000 रुपया देंगे ताकि खूब मन लगा के पढ़ो और अंतिम परीक्षा पास करो, ताकि तुम भी कलेक्टर बनो, तुम भी एसपी बनो, तुम भी चीफ सेक्रेटरी बनो। तो ये हम लोग सोच करके काम कर रहे हैं। तो समाज का कोई तबका नहीं है जिसके लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ नहीं किया। उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सब काम शुरू किया। तो हम लोग अपनी तरफ से आराम नहीं करते हैं, हमेशा लोगों की स्थिति का आकलन करके और आगे बढ़कर काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सब चीजों का फायदा उठाइएगा। अब यहां पर आए तो आने के पहले जानकारी मिली कि यहाँ की इच्छा है कि न्यू बाईपास से जगनपुरा मोड़ से चिपुरा खुर्द तक पथ का निर्माण हो जाए, पथ निर्माण विभाग इसको बना दे। तो मैं बता देता हूँ, 5.5 किलोमीटर की लंबाई है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कल दे दी गई है और 17,42,23,000 रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। अब ये आपका रोड पथ निर्माण विभाग का बन जाएगा और बड़ा मस्ती से तेज रफ्तार से चलिएगा, अब चिंता मत करिए। चिपुरा में स्वास्थ्य उप केंद्र निर्माण के लिए भी कल 14/8/18 को जापान 436 और कॉलम में 10 के हिसाब से कल उसकी स्वीकृति हो गई। पूर्व से निर्मित कामताचक ग्रामीण जलापूर्ति योजना से नल जल की आपूर्ति, इसके लिए भी हर घर जल नल का जल निश्चय योजना के तहत नलकूप निर्माण, विद्यमान संरचना में अभी जो संरचना है या बना हुआ टंकी सुधार, पाइपलाइन का विस्तार और हर घर नल से आच्छादित करने हेतु 60,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 14/8/18 यानी कल ही दे दी गई है। इसलिए भी इसकी चिंता मत करिए। आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण, बहुआरा ग्राम में 2 आंगनबाड़ी एवं बरौना ग्राम में 1 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए जमीन उपलब्ध है, इसके लिए मनरेगा मद से आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। अब इसके बाद जो स्कूल की मांग कर रहे थे, अभी जो हमारे झंडोत्तोलन करने वाले देवनाथ रविदास जी ने अभी मांग किया, तो मैं कह देता हूँ कि अब यहाँ पर सरकारी स्तर पर भी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी और जो यहाँ मध्य विद्यालय है उसी को उत्क्रमित किया जाएगा। इस तरह से आज की अनेक मांगों को हम लोग पूरा कर दिया है और बाकी चीजों के लिए एक जो आप लोगों की मांग है, ग्राम आशे चक रमौर त्रिपुरा बरुणा होते हुए माधोपुर खुनपुन नदी तक पैन उड़ाही का काम, ये काम भी करने का निर्देश दे दिया गया है ताकि आपको किसी ढंग की दिक्कत न हो। तो आज यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हुई और सबसे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। सुबह से एकदम खूब गर्मी और देखिए जैनपुर में आए अब वर्षा पात शुरू। हमको सबसे ज्यादा चिंता रहते हैं कि वर्षा हो, अगर वर्षा पात यहाँ आने के बाद हुआ तो मुझको बेहद खुशी हुई। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आपकी खासियत है कि यहाँ पर पानी पड़ने लगा हम लोगों के आने पर, तो बड़ी खुशी है आपके इस अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई और पुनः मैं आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपकी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और एक ही अपनी सुरक्षा कि हम सब लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव सामाजिक सौहार्द का वातावरण ध्यान रखना चाहिए। सभी लोग तरक्की करेगा, युवा तरक्की करेगा और हम लोग अपने गौरव की जो ऊंचाई को फिर प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद।